अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने फेवरेट प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली काफ़ी टाइम से। माय फेवरेट जो कि मैं यूज़ करती हूँ, इनकी सारी वीडियो बनाई हुई है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है? तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, एक एक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। माय मोस्ट फेवरेट ग्लैमरस का ये फाउंडेशन बहुत अमेजिंग है, बहुत ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि ये फिनिश्ड हो चुका है। इसके अलावा शेफर की बेस बहुत अच्छी है और जी मिसरोज़ का है वो भी बहुत अच्छा है, बट ये जो है ना ये बहुत अच्छी कवरेज देता है, फटता नहीं है, बहुत अच्छा बेस सेट होता है इससे, ये मुझे बहुत पसंद है। देन उसके बाद जी अगर बात करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो ये आजकल माय फेवरेट फेवरेट, इसकी वीडियो आजकल में ही मैंने बनाई है। बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे फाउंडेशन आपका एक तो फटता नहीं है, जैसे बिल्कुल एकदम क्रैक हो जाता है ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ग्लैमरस का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, बहुत अच्छा है ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है? वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो ये मैंने ट्राई किया था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। आप ये दो बाय कर सकते हैं, ग्लैमरस का बहुत अमेजिंग है। बाकी रह गया एनेस्थाजिया का ये ब्यूटी ब्रश है, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था आई थिंक इसे हो गए हैं 3 से 4 साल, तब से मैं ये रखा हुआ है। बिल्कुल इसके ब्रशेस जो हैं वो बिल्कुल भी देखें हाथों में नहीं आते, और इतने सॉफ्ट हैं, इतने टाइम से बहुत सॉफ्ट हैं, और इसके अंदर हर वो ब्रशेस का साइज़ है वो आपको मिल जाएगा जो आपको अपने मेकअप में चाहिए, बहुत अच्छा है। तो आपको अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। तो वैसे ये ना दराज से भी मिल जाती होती हैं चीज़ें, जो कि बहुत मतलब मार्केट में नहीं मिलती। इसके अलावा जी ये बात करते हैं बॉम बी बिग बॉम आई थिंक ये है जी, है बॉब का मस्कारा, 4D मस्कारा है, 3D है वो भी बहुत अच्छा है, ब्लू कलर का होता है, 4D भी बहुत अच्छा मस्कारा है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से। तो उसके अलावा अगर मैट लिपस्टिक की लिप ग्लोस की बात करें, तो ये एमली के और क्रिस्टाइन के बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल भी लाइट वेट और बिल्कुल नहीं लगता लिप पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे। एमली के हर कलर में मिलेगा आपको, न्यूड में मिलेगा, हर कलर में। अगर आपने कोई लिप कलर लिप ग्लोज अगर लेना है ना, तो एमली के लिए ले लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा अगर मैट लिपस्टिक की बात करें, मैट हो गई या ये हो गई बुलेट लिपस्टिक वगैरह हो गई, तो इनमें मैं ज़्यादातर मेडोरा की यूज़ करती हूँ और ये हैंग फेंग की यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइज है, बहुत अच्छी है। और मेडोरा की हर लिपस्टिक हर कलर अवेलेबल है, मतलब लिप ग्लोज में मैं वो यूज़ करती हूँ एमली की। और अगर बात करें हम नेल पेंट की, तो नेल पेंट में ये 60 के नेल पेंट इतने कोई अमेजिंग होते हैं, हर न्यूड कलर आपको मिलेगा, इतने खूबसूरत न्यूड भी डार्क भी हर कलर मिलेगा। और ये जियोला के ये दो पेंट, मतलब कि इन दो कंपनियों के मैं यूज़ करती हूँ। ये वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे खुद को पसंद है और मैं यूज़ करती हूँ बहुत टाइम से। और आईब्रो के लिए मैं ये हुदा का जेल आईब्रो पेंसिल यूज़ आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, और इतना अच्छा है, इतने टाइम से लिया हुआ अभी तक सही जा रहा है, और बहुत ही अच्छा है नेचुरली, ये ब्राउन कलर में है तो बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, क्रीमी जो होता है ना वो ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। और आईलाइनर की बात करें, तो मिस रोज़ का भी मैंने यूज़ किया था, मुझे नहीं पसंद आया था। ये जो 36H ये 100 रुपये का या 150 का आई थिंक मिल जाएगा, ये बहुत अमेजिंग होता है, ये मुझे पसंद है। इससे ना तो हमारी मतलब कि ये बिल्कुल भी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और बिल्कुल जलन वलन नहीं होती, कहीं आप सोचे सस्ते में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वाइट पेंसिल की बात करें, तो आई लव रिवाज की वाइट आई पेंसिल, इतनी कोई अमेजिंग है, जब तक आप अपना मेकअप रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद भी ये अच्छी तरह जब तक रिमूव नहीं करेंगे बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलेगी, बहुत अच्छी ये आई पेंसिल है, बहुत अच्छी।
तो इससे मैंने आईब्रो की भी एक आपको शॉर्ट वीडियो दिखाई थी, बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं हम इन चीज़ों की, हाइलाइटर और कंटूरिंग और ब्लशर की। तो इनमें से किसी का भी भाई ढक्कन नहीं है, सॉरी। तो ये अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो ना कि ये इसका नेम क्या है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका नेम मुझसे ना काफ़ी बहुत पुरानी ये है, वैसे तो कॉस्मेटिक लिखा हुआ है, लेकिन इतनी कोई अमेजिंग है, इतनी कोई मज़े की है। आप लोग, मैं कहती हूँ यूज़ करेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा ना, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। तो मैं वैसे कोशिश करूँगी कि अगर लिंक विंक इधर से देख के इसको सर्च करूँ कि इसका नेम क्या है, बट अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मिस रोज़ की हैं, बहुत अच्छी हैं। मिस रोज़ का जो हाइलाइटर है वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा हाइलाइटर है, और इसमें 6 कलर हैं, मतलब कि आप वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यूज़ कर कलर आप चूज़ कर सकते हैं, अपने आई मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं इससे। और बहुत अच्छा है भाई, अगर बोले थोड़ा सा पैसा अगर खर्च कर लेंगे छोटी छोटी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें मेन लेनी चाहिए। तो ये मिस रोज़ का है जी, 3D कंटूरिंग पैलेट किट है। इसके अंदर आपको 8 कलर मिलेंगे, और जिसके अंदर एक आपको हाइलाइटर मिलेगा। इससे ये होता है कि अगर आपने न्यूड मेकअप करना है ना, तो न्यूड मेकअप आपका बहुत अच्छा होता है, इससे हाइलाइटर भी न्यूड, सारा कुछ न्यूड न्यूड न्यूड, बहुत अच्छा है। और ये इतना कोई अच्छा है कि आपका पाउडर है ना, इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि बिल्कुल पैची 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 नहीं बनाता, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद अगर ब्लशर बहुत अच्छा है, ये ग्लैमरस का है, 101 शेड है इसका, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा पीची पीची सा, हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लशर भी हो जाता है, बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत 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 पुरानी मेरा है, जो कि मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, बहुत मुझे पसंद है। काफ़ी मरतबा तो मैं कोई कंट्रोलिंग नहीं करती, बस ये लगाती हूँ, और इतना प्यारा पिंक सा मेकअप हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लगा हुआ। तो जी, अगर आपने कोई भी चीज़ बाय करनी हो, कुछ भी करना हो ना, आप पूरी डिटेल वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगी। अगर वो आपको अच्छी लगे चीज़ तो आप बाय कीजिएगा, ना पसंद आए तो मर्सी आप लोगों की। तो अब बात करते हैं इस पैलेट की, ये मेरा पैलेट जो है मोस्ट फेवरेट है, इसकी है रोमांटिक पैलेट। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये मैंने किसी इंस्टाग्राम के किसी स्टोर से मंगवाया था, बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको 4 हाइलाइटर मिलेंगे, 4 ब्लशर मिलेंगे, उसके अलावा रोमांटिक शेड जो है ये वाले साइड पर, ये वाले, ये सारे रोमांटिक शेड हैं। एक तरफ आपको मैट शेड मिलेंगे, एक तरफ आपको मेटेलिक शेड मिलेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पैलेट को ले लें तो आपको, मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेक श्योर पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।